अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज़ फाइन. ओके, वेलकम टू द क्लास. ज़िमल, मुस्तशमा, तूबा हसन, वेलकम टू द क्लास. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड. ओके, लेट्स बिगिन अवर क्लास विद द नेम ऑफ अल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी. ओके जी, लेट्स बिगिन अवर क्लास. सबसे पहले टेक आउट योर इस्लामियात बुक. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर इस्लामियात बुक एंड टेक आउट पेज नंबर 1. ओके जी, टेक आउट पेज नंबर 1. ओके, लेट्स बिगिन अवर वर्क. सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम न्यू सवाल पढ़ेंगे आज याद करेंगे, और एक न्यू दुआ भी हम याद करेंगे. ठीक है? ओके जी, सबसे पहला क्वेश्चन है अल्लाह कितने हैं. आपने सवाल को रिपीट नहीं करना, आपने आगे जवाब देना है. दैट इज़ अल्लाह एक है. अल्लाह कितने हैं? अल्लाह एक है. ओके, एक बार फिर से हम पढ़ते हैं. अल्लाह कितने हैं? अल्लाह एक है. ओके, सवाल नंबर 2. हम सब किसकी इबादत करते हैं? हम सब अल्लाह की इबादत करते हैं. आप सब ने मेरे साथ ये जवाब रिपीट करना है. हम सब अल्लाह की इबादत करते हैं. एक बार फिर से रिपीट करें. हम सब अल्लाह की इबादत करते हैं. ओके, सवाल नंबर 3. ये दुनिया किसने बनाई है? ओके, आंसर इज़ ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है. ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है. आप सब ने मेरे साथ रिपीट करना है. ये दुनिया किसने बनाई है? ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है. ओके, दोबारा से हम रिपीट करेंगे अपने प्रीवियस क्वेश्चंस को. अल्लाह कितने हैं? अल्लाह एक है. अल्लाह कितने हैं? अल्लाह एक है. हम सब किसकी इबादत करते हैं? हम सब अल्लाह की इबादत करते हैं. हम सब अल्लाह की इबादत करते हैं. ये दुनिया किसने बनाई है? ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है. ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है. अच्छा, अब आज का जो न्यू क्वेश्चन हम याद करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, पेज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4. अब मेरे साथ आप लोगों ने इसका आंसर फिर रिपीट करना है. अल्लाह ताला ने इंसान को किस से बनाया है? इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने हम इंसानों को किस चीज़ से बनाया है. हम सबको अल्लाह ताला ने बनाया है ना, तो अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें किस चीज़ से बनाया है. तो इसके जवाब में आप लोग कहेंगे, अब मेरे साथ आपने रिपीट करना है. ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया है. ओके, मेरे साथ रिपीट करें. अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया है. ओके, अब सब आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे ये.
अल्लाह ताला ने इंसान को किस से बनाया है? अब जवाब मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से बनाया है। मट्टी होती है ना, आप लोगों ने देखी होगी मट्टी, उस चीज़ से अल्लाह ताला ने हम सबको मट्टी से बनाया है, ठीक है। अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से बनाया है। वन मोर टाइम, अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से बनाया है। अल्लाह ताला ने इंसान को किस से बनाया है? अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से बनाया है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करने को कहूँगी, अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से बनाया है। ओके, वन मोर टाइम, अल्लाह ताला ने इंसान को किस से बनाया है? अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से बनाया है। इसी तरह से आपने मेरे साथ रिपीट करना है। तुबा हसन एंड मुस्तशमा, काइंडली टर्न ऑन योर कैमरा सो दैट आई कैन सी यू। वेरी गुड तुबा, मुस्तशमा यू ऑल्सो टर्न ऑन योर कैमरा। ओके, एक बार फिर से हम शुरू से स्टार्ट से रिविजन करेंगे। अल्लाह कितने हैं? आपने जवाब मेरे साथ ज़रूर लाजमी रिपीट करना है, ठीक है। मैं एट द एंड ऑफ द क्लास आपसे ये सारे क्वेश्चंस सुनूंगी। अल्लाह कितने हैं? अल्लाह एक है। अल्लाह कितने हैं? अल्लाह एक है। हम सब किसकी इबादत करते हैं? हम सब अल्लाह की इबादत करते हैं। हम सब किसकी इबादत करते हैं? हम सब अल्लाह की इबादत करते हैं। ये दुनिया किसने बनाई है? ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। ये दुनिया किसने बनाई है? ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। अल्लाह ताला ने इंसान को किस से बनाया है? जवाब है, अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से बनाया है। अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से बनाया है। ओके जी, अब ये क्वेश्चंस हमने रिवाइज कर लिए हैं। आज का जो न्यू क्वेश्चन था वो था, अल्लाह ताला ने इंसान को किससे बनाया है? और जवाब था, अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से बनाया है। ठीक हो गया। अब हम दुआ की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हम पहला कलमा रिपीट करेंगे जो हमने समर टास्क में आपको याद करने को कहा हुआ था, आज वो हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। सब मेरे साथ हाथ बांध लीजिए, आपने अपने हैंड्स क्रॉस करने हैं, क्रॉस योर हैंड्स, फोल्ड योर आर्म्स करने हैं, ठीक है। आपने आर्म्स अपने फोल्ड कर लेने हैं और आपने मेरे साथ पहला कलमा रिपीट करना है। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। मैं आप सबको देख रही हूँ, आप सब ने मेरे साथ पहला कलमा रिपीट करना है। ओके जी, पहला कलमा तैयब, तैयब मैनी पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। आई होप आप तीनों ने मेरे साथ रिपीट किया होगा। ज़िमर वॉज रिपीटिंग इट विद मी, आई सॉ दैट। तुबा एंड मुस्तशमा, आप दोनों ने भी मेरे साथ इस कलमे को रिपीट करना है, सो दैट आप जब स्कूल ज्वाइन करो तो ये कलमा आपको पहले से याद हो, ठीक है। ओके, एक बार फिर से अब मैं एक स्लो स्पीड में रिपीट करूँगी और आपने मेरे साथ रिपीट करना है। मैं रुक रुक के पढ़ूँगी ताकि आप लोग भी मेरे साथ पढ़ते रहो, ठीक है। पहला कलमा तैयब, तैयब मानी पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह।
वन मोर टाइम रिपीट करते हैं। पहला कलमा तैयब, तैयब मानी पाक। ला इलाहा इल्लल्लाहो मुहम्मदुर रसूलल्लाह। आज मैं एट द एंड ये सारे सवालों के साथ ये कलमा भी आप तीनों से सुनूंगी। आई होप आप तीनों को याद होगा। ओके जी, अब हम दुआ की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जब हम सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ जाते हैं, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, तो हमें क्या कहना चाहिए? जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो हमें कहना चाहिए अल्लाहु अकबर। जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए? अल्लाहु अकबर। काइंडली मेरे साथ रिपीट कीजिए, सीढ़ियाँ चढ़ने की दुआ अल्लाहु अकबर। सीढ़ियाँ चढ़ने की दुआ अल्लाहु अकबर। आज हम जो न्यू दुआ याद करेंगे वो है सीढ़ियाँ उतरने की दुआ। जब हम नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, जब हम उतर रहे होते हैं सीढ़ियों से, तो हमें कहना चाहिए सुभान अल्लाह। क्या कहना चाहिए? सुभान अल्लाह। सीढ़ियाँ उतरने की दुआ सुभान अल्लाह। मेरे साथ रिपीट कीजिए, सीढ़ियाँ उतरने की दुआ सुभान अल्लाह। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त क्या कहना चाहिए? अल्लाहु अकबर। और सीढ़ियाँ उतरते वक्त क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त क्या कहना चाहिए? अल्लाहु अकबर। और सीढ़ियाँ उतरते वक्त क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। ठीक है, वन मोर टाइम हम रिपीट करेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ने की दुआ अल्लाहु अकबर। सीढ़ियाँ चढ़ने की दुआ अल्लाहु अकबर। सीढ़ियाँ उतरने की दुआ सुभान अल्लाह। सीढ़ियाँ उतरने की दुआ सुभान अल्लाह। ठीक है, सीढ़ियाँ उतरते वक्त जब हम नीचे जा रहे होते हैं तो हमें हर स्टेप पर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहते रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप सीढ़ियों से गिरोगे भी नहीं और आराम से सीढ़ियों से उतर जाओगे। ठीक है, और जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त भी हमें अल्लाहु अकबर कहते रहना चाहिए। ठीक है, ओके, वन मोर टाइम, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, मायरा गुल वेलकम टू द क्लास, काइंडली टर्न ऑन योर कैमरा। सीढ़ियाँ चढ़ने की दुआ अल्लाहु अकबर। सीढ़ियाँ चढ़ने की दुआ अल्लाहु अकबर। सीढ़ियाँ उतरने की दुआ सुभान अल्लाह। सीढ़ियाँ उतरने की दुआ सुभान अल्लाह। ठीक हो गया, अब वन मोर टाइम हम पहला कलमा रिपीट करेंगे। काइंडली मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, पहला कलमा तैयब, तैयब मानी पाक। ला इलाहा इल्लल्लाहो मुहम्मदुर रसूलल्लाह। ओके जी, इस्लामियात का काम फिनिश हो गया है। नाउ काइंडली टेक आउट योर जीके बुक।